औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले आप लोगों को जो हवा की तरह, गर्म हवा की तरह जो मशहूर बात चल रही इंडिया में, वो है केरला स्टोरी। आप सबसे पहले इंसान को शैतान पहचान सकते, इंसान शैतान है। मैंने वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का दो दिन पहले रिलीज होने वाली मूवी केरला स्टोरी का इंटरव्यू देखा, उसमें उन्हें सिर्फ तीन कहानियों को 32,000 बताया। आपको पता है ये क्या है? ये शैतानी फार्मूला है, ये जर्मन का फार्मूला है, ये हिटलर का फार्मूला है। हिटलर ने जूविशों को मारने के वक्त दो ऐसी फिल्में बनाई जूविशों के खिलाफ ताकि उनका खात्मा कर दे, और एक फिल्म चल गई, एक नहीं चली, और वही सेम कहानी अमित शाह, मोदी और योगी ने, आपको याद है NRC जो भी शाहीनबाग के पास जो बहुत बड़ा फसाद की तरह नफरत का जो COVID-19 से पहले हुआ, वो भी सेम डिटर्मिनेशन काम जो बोलते हैं जर्मन का, वैसा ही वो लोग जो है इंसानों को जो शहरी नहीं है या मुल्क के नहीं है उनको वो ले जाके वैसे कैंपों में डाल देते और वो लोग जो है वहीं मर जाते। सेम जर्मनी की पॉलिसी अभी तक ये लोग चल रहे। सिर्फ तीन कहानी है। अगर आप तीन कहानी के बजाय मैं आपको इंडिया के हिंदू कितने गंदे हैं वो बताता हूं। हिंदू गाय को बांध के रेप करते, आपको मालूम है, कई स्टोरीज आ गए सामने, जबकि गाय माता है बोलते, और उसको रेप करते लोग, और रेप करते हुए पकड़े गए, और चारों तरफ से गाय को बंधा हुआ पाया गया। और फिर एक अभी ऐसा वाकया आया जो उसकी बीवी मर गई, उसकी सास को भी नहीं छोड़ा, सास गांव छोड़ के भाग गई, फिर उसके बाद में उन्हें 5 साल की बच्ची को रेप किया। तो इस तरह अगर आप पूरे इंडिया में जो हर घंटे में एक रेप होता है इंडिया में, हर वो छोटी बच्ची को जो है रेप करते हैं लोग, और हर जानवर के साथ, मुर्गी के साथ भी करने वाले हैं दुनिया में, इंडिया के अंदर। मगर वो कहानियों पे क्यों नहीं बनाया मालूम? क्योंकि ये लोगों को जर्मन की तरह यहूदियों से नफरत कराना है, जैसे हिटलर ने कराया था, उसी तरह मुसलमानों से नफरत कराना है, क्योंकि अगले इलेक्शनों में हिंदुत्व लाने का उनके पास जो है मुद्दा है। मुसलमानों, तुम जो है चैन की नींद सो जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे पास ही जन्नत है, और ये जहन्नुमी अपना खेल खेल के बाद में हार जाएंगे और जहन्नुम में चले जाएंगे, नरक में जाएंगे। उसकी एक निशानी मैं दे के वीडियो बंद कर देता हूँ। अगर उन्हें सच्चा रहता तो 32,000 की जगह तीन की कहानी बताना था, मगर उसने पैसा बनाना और जो है हिंदुत्व को आगे बढ़ाना और मुसलमान को बदनाम करना, ये जर्मन की पॉलिसी अपनाया, इससे पहले भी अपनाया, अभी भी अपनाया, NRC NCC जो भी हो। अब इसमें दो बातों के साथ तुम सोचना है कि इंसान का नेचर सेम क्यों है। देखो, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि अगर आपको नज़ला हो गया, आप घर में हैं, यह नज़ला दूसरों को भी हो जाएगा, घर के अंदर के जितने भी अफराद हैं, आपको खांसी होगी, खांसी के अलावा बलगम आएगा, आपको जो है सुकून की रात में नींद नहीं आएगी, नाक बंद हो जाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, किसी भी मरीज के पास जाओ तो उस वक्त अल्लाह से कहो, ऐ अल्लाह
मुझे ये इसका इन्फेक्शन बीमारी का मुझे ना हो, मैं उसकी तैमरदारी के लिए जा रहा हूं बस। तो ये हकीकत इतनी सही है कि मेरे घर में एक हफ्ते से मैं, मेरी मिसेस और मेरे दो बच्चे ये खांसी और बीमारी में मुब्तला है इन्फेक्शन का। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, सच साबित हुआ। फिर यहाँ के स्कूलों में जो बच्चे बीमार जाते हैं स्कूल में, तो उनका इन्फेक्शन दूसरे बच्चों को हो जाता है। ये अमेरिका की भी रिपोर्ट है। तो एक हकीकत सामने। अब दूसरी, नेचर सुनो। हम सब आदम की औलाद होने से हमारा नेचर एक ही है। इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, कुरान के अंदर बताया अल्लाह ताला, इसके बाद कोई नबी नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जिनों इंस के लिए, सारे आलम के इंसानों के लिए आप नबी बन के आए, रसूल बन के आए, अंबिया बन के आए, पैगंबर बन के आए। लेकिन मुसलमान भी, ये कुरान पढ़ने वाला भी बैठ जाके ईसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी है, वैसा ही पैगंबर समझ के 1444 साल से हर जगह मैं प्रॉफिट हूँ बोल के डिक्लेयर कर रहा। अब बदकिस्मती क्या है बोले तो, ये वीडियो वायरल हो रहे। अब जैसे पाकिस्तान में 100 साल पहले गुलाम रसूल बोल दिया, उन्हें बोला नहीं बोला लोग मान लिए, वैसा ये भटक गए, शैतान भटका दिया। मैं ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों किया कि शैतान इंसान को इतनी बेवकूफ़ बना दिया कि उन्हें बोला कि अल्लाह के सामने मैं सजदा तो नहीं किया, मगर इंसान को इंसान से सजदा कराता हूँ बोल के ये चैलेंज से जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ईसा अलैहिस्सलाम का एक पुतला सामने ला के क्रॉस के तौर पर रख देता। चाहे तुम चर्च में जाओ, चाहे तुम्हारे के बाजारों में जाओ, हर जगह पुतला लगा दिए क्रॉस, इंडिया में पैसा खर्च करके। तो इंसान का नेचर क्या है कि इंसान को इंसान खुदा समझना। इंसान का नेचर क्या है कि प्रॉफिट ख़त्म हो जाने के बाद भी प्रॉफिट बोलना। यहाँ तक कि औरत भी, एक हफ्ता पहले पाकिस्तान में मैंने सुना वो औरत अपने आप को नबूवत का दावा कर दी। चंद महीने पहले इंडिया में, चंद महीने पहले जो है पाकिस्तान में, चंद महीने पहले जो है ये ख़ास करके हमारे एशिया में ही प्रॉफिट्स का दावा कर देते। ये इंसान का नेचर है। दूसरा नेचर ये है कि इंसान अगर आपकी भलाई का कोई नेक काम करा, आपको जो है पैसा दिया, आपको कोई घर दिला दिया, या आपको कोई ज़मीन दिला दी, या आपका कोई पानी का कुएं खोल दिया, या आपको जो है बीमारी से शिफा के लिए दवाओं का इंतज़ाम कर दिया, आप मेरे खुदा बोल देता। ये इंडिया में नेचर है। इंडिया में इतना गया गुजरा नेचर है कि साउथ में जाओ एक्टर्स के भी जो है वहाँ मंदिरें बना के पुतला रख दिए, और यहाँ तक के लंदन में जाओ एक से एक पुतले मिलेंगे, सेलिब्रिटीज़ के, एथलीट्स के, स्पोर्ट्स के, सब के मिलेंगे जो फेमस हुआ। तो इंसान का गंदा नेचर है। और ये बात नहीं सोच सका कि अल्लाह ने आदम को बिना माँ बाप के पैदा किया। इस पर पूरी दुनिया की जितना भी खोज करता है इंसान खुदा का, उस पर बात ख़त्म है। सिर्फ अल्लाह ने हमारे को यह बताया कि अल्लाह ने आदम को बिना माँ बाप के पैदा किया। ये जाकिर नायक और ये जो है अहमद जिदान नहीं बता सके। क्यों नहीं बता सके मालूम है? उन लोगों ने जूश के पास जो बुक्स है वो स्टडी नहीं करे। वो लोग, इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती। ये दोनों ने असल पॉइंट पे नहीं आए, क्योंकि जूश के पास जो बुक्स है हमारे अल्लाह के चुराए हुए, उसके अंदर आदम को बिना माँ बाप के पैदा किया वो मेंशन है। तौरे, जबूर और अभी बहुत सारे उनके पास, कबाला जैसे बहुत सारे जो है, तलमुद जैसे बहुत सारे बुक्स हैं उनके पास, जोहर गोहर जैसे, और सहीफे भी है। तो वो लोग जानते हैं कि आदम को बिना माँ बाप के पैदा किया अल्लाह। फिर वो जानते हैं कि हव्वा अलैहिस्सलाम को बिना माँ के पैदा किया। वो पुरानी किताबों को ना स्टडी अहमद दीदार किए, ना जाकिर नायक किए। इस वास्ते ये मकालते में जो है वो लोग पूरा इस्लाम का डिटेल नहीं दे सके। और वही राज मैं खोला, सिर्फ मैं खोला हूँ वाहिद, कि अल्लाह ने बिना माँ बाप के आदम को पैदा किया, बिना
माँ के हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। ये हमारे अल्लाह के पहली किताबों में है, जो जूइश बन गया, जो क्रिश्चियन बन गया, और ये गवाह है कंटिन्यू के लिए। और बाद में अल्लाह कुरान में डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, अल्लाह ने ईसा को बिना माप के पैदा करके। ये चैलेंज की वजह से पूरे मजहब जो हिंदुइज्म है, इसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आदम को पैदा किया। बुद्धिज्म के पास भी प्रूफ नहीं है कि आदम को कौन पैदा किया, हवा को कौन पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह अकबर।